वेलकम टू होलसम टेल्स वी लॉग। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वी लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कोडो मिलेट से रोटी। कोडो मिलेट अनपॉलिश्ड कोडो मिलेट ली है और मैंने इसको 6 से 8 घंटे भिगो दिया था। और रोटी मैं जो बना रही हूँ, स्पेशल चीज़ क्या है कि मैं आटा नहीं यूज़ कर रही, ग्रेन से ही बना रही हूँ डायरेक्टली। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया उसी पानी में, तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी है जो हम नॉर्मली भिगोते हैं, बिकॉज़ नॉर्मली हम राइस बनाने के लिए भिगोते हैं। ये मैंने इसका आटा तैयार करेंगे, ये बहुत फाइन ग्राइंड कर लें और इसके बाद इसको धीमी आंच पे एक मोटे तले के बर्तन में रखेंगे ताकि लगे ना। इसको धीमी आंच पे धीरे धीरे हिलाते हिलाते इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स, जब तक कि ये आटे का शेप नहीं ले लेता। और इसमें मैंने एक चीज़ और ऐड की है, थोड़ा सा नमक ऐड की है यहाँ पे, हिमालयन पिंक सॉल्ट, ताकि थोड़ा सा टेस्ट वो इसका एनहेंस कर देगा। इसको हिलाते हिलाते, और हिलाना बहुत ज़रूरी है, बीच में छोड़ना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसके लम्प्स बन जाते हैं, उसको आप ब्रेक करते जाएं और कॉन्टीन्यूसली हिलाते जाएं जब तक कि ये इतना गाढ़ा ना हो जाए कि आटे की शेप ले ले। देखिए ये धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, अब इसको ये पूरी तरह डो शेप में आ गया, एक लंप बन गया। इसको अब इस टाइम पे गैस बंद कर दें और ठंडा होने तक की वेट करते हैं, जब तक कि हम इसको हाथ लगाने के, ये टेम्परेचर इसका हम हाथ से करने के लायक ना हो जाए। ये बहुत अच्छा तरीका है इस तरह से आटा बनाने का। रोटी कंपैरेटिवली सॉफ्ट बनती है जो आप डायरेक्टली फ्लार से बनाते हैं, और आपको आटा रखने की अलग से ज़रूरत नहीं है। और अब हम इससे ठंडा हो गया रोटी बनाएंगे। रोटी आप दोनों तरीकों से बना सकते हैं, बेलन से भी ये इजीली धीरे धीरे फैल जाती है रोटी, और मैंने यहाँ पे हाथ से भी फैलाई है, तो दोनों तरीकों से आप इजीली जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। और तवे पे रख के, और हमेशा आयरन का तवा यूज़ करें या मिट्टी का। और जितने भी, और इसके साथ हमने मिलेट की बहुत सी रोटी की रेसिपीज डाली हुई, इवन इस तरीके से किस तरह से डो बनाना है कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस के साथ होलसम टेस्ट चैनल पर वीडियो हमने डाले हुए हैं 3-4, उस सब की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको सारे लिंक मिलेंगे, सब तरह की रोटी मिलेट से कैसे बनाते हैं, सो वो आप ज़रूर चेक करें एंड इन्जॉय योर रोटी विद ग्रेन। आपको आटा लेने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन मेक सॉफ्ट रोटी विद मिलेट्स विद डायरेक्टली ग्रेन्स। थैंक यू सो मच, होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।